नमस्कार व्यूअर्स, अगर आप इनो SBI एप्स इस्तेमाल कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इनो SBI एप से किसी दूसरे आदमी को QR स्कैन करके, यहाँ पे देखिए QR स्कैन करके अगर आप पैसा भेजना चाहते हो या पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू अगर पैसा भेजना या पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो किस तरह आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, आसानी से इसका प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसी वीडियो के द्वारा। और फ्रेंड, इनो SBI एप्स पर अगर आप लोगों ने अभी तक UPI ID क्रिएट नहीं किया है तो किस तरह आप ये UPI ID यानी UPI प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, इसका प्रोसेस मैं आप लोगों को इसी वीडियो के द्वारा दिखाने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिए, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, मैं आप लोगों को लाइव प्रोसेस में दिखाऊंगा UPI ID किस तरह आप क्रिएट कर सकते हो एंड किस तरह QR स्कैन करके आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, भेज सकते हो या किसी मोबाइल नंबर के थ्रू आप पैसा ट्रांसफर भेज सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स, आप अपना मोबाइल पे इनो SBI एप्स ओपन कीजिएगा, उसके बाद आप लॉगिन कीजिएगा अपना MPIN देके। तो व्यूअर्स, इनो SBI एप्स ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा इनो पे, तो इनो पे बटन पे आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने QR स्कैन यहाँ पे शो कर रहा है एंड कॉन्टैक्ट आप लोगों के सामने शो कर रहा है। तो QR स्कैन यानी QR कोड स्कैन करके आप किसी दूसरे आदमी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो या रिसीव भी कर सकते हो एंड थ्रू फोन नंबर के द्वारा आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो एंड रिसीव भी कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को UPI ID यानी प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं QR स्कैन बटन पे क्लिक करता हूँ, आप इस क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने क्रिएट रिट्राइव UPI प्रोफाइल, तो यहाँ पे शो कर रहा है आप लोगों को क्रिएट UPI प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरप्राइज ID आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक UPI ID प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है तो किस तरह प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो इनो SBI एप्स पर, मैं आप लोगों को लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, ओके। तो UPI प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए क्रिएट UPI प्रोफाइल बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप आसानी से पैसा रिसीव कर सकते हो एंड भेज सकते हो। इसके बाद आपका जो बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर अपना मोबाइल पे कौन सा स्लॉट पे लगा हुआ है, सिम 1 नंबर पे लगा हुआ है या सिम नंबर 2 पे लगा हुआ है, आप सिलेक्ट कीजिएगा। जो भी आपका बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 2 दिखा रहा है मेरा, यहाँ पे जियो एंड BSNL शो कर रहा है। तो कौन सा स्लॉट पे लगा हुआ है आपका बैंक रजिस्टर, वही स्लॉट आप चॉइस कीजिएगा। चॉइस होने के बाद व्यूअर्स अपना बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे SMS सेंड किया जाएगा। ध्यान रखना व्यूअर्स, अपना जो बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे कि 5 रुपीज़ बैलेंस रखना पड़ेगा, ओके। इसके बाद आप देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा व्यूअर्स, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको बोला जाए अपना अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने के लिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर सिलेक्ट कीजिए। अकाउंट नंबर सिलेक्ट होने के बाद नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद अपना जो ATM कार्ड डेबिट कार्ड, अगर आपके पास ATM कार्ड डेबिट कार्ड है तो आसानी से आप एंथेंटिकेशन कर सकते हो। अगर आपका ATM कार्ड या डेबिट कार्ड मेस्ट्रो कार्ड है तो मेस्ट्रो सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज मास्टर या वीज़ा या रुपे कार्ड है तो आप यहाँ पे मास्टर वीज़ा रुपे आप सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद अपना ATM कार्ड के ऊपर जो 17 डिजिट रहता है उसमें से लास्ट 6 डिजिट यहाँ पे आप टाइप कीजिए, अपना ATM कार्ड से लास्ट 6 डिजिट यहाँ पे टाइप कीजिए। इसके बाद मंथ एंड ईयर आप दीजिए, एक्सपायर मंथ एंड ईयर यहाँ पे दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक होने के बाद अपना बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP सेंड होगा, वही OTP आप यहाँ पे दीजिएगा। OTP देने के बाद अपना UPI पिन सेट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगा, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अपना UPI पिन सेट करने के लिए ऑप्शन आएगा, ओके। OTP देने के बाद 6 डिजिट UPI पिन सेट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों को 6 डिजिट UPI पिन सेट करना पड़ेगा। ये UPI पिन जब आप बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, कोई भी रिसीव करेंगे मनी, तभी UPI पिन आप लोगों का काम आएगा, ओके। तो 6 डिजिट UPI पिन क्रिएट होने के बाद यहाँ पे मैसेज शो करेगा, यू हैव सक्सेसफुली सेट UPI पिन। तो अपना UPI पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके। इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक कीजिए।
ध्यान रखना व्यूअर्स, यूपीआई पिन सेट होने के बाद 24 आवर्स के अंदर आप ओनली फॉर 5000 रुपीज सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। 24 आवर्स के बाद आप जितना चाहिए इतना आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो व्यूअर्स। ओके, तो इस तरह आसानी से आप कीवर्ड्स कोड स्कैन करके या मोबाइल नंबर के द्वारा आप आसानी से बैलेंस ट्रांसफर कर सकते, रिसीव कर सकते हो एंड यूपीआई प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो। रात 12 बजे 2 बजे जब भी मर्जी आप, तब भी आप अपना बैलेंस ट्रांसफर कर सकते, रिसीव कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स से आप लोग मैसेज कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को किसी चैनल से मिलते रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।